हाँ जी दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्ते, सलाम। आज हम बनाने जा रहे हैं पंजाबी कढ़ी। ये वैसे तो नॉर्थ इंडिया में काफ़ी मशहूर व्यंजन है। एक अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह से बनाया जाता है, पर पंजाब में कैसे बनाया जाता है ये आज हम आपको दिखाएंगे। पंजाब में बहुत शौक से ये बनाया जाता है, बहुत ही मशहूर व्यंजन है। तो शुरू करते हैं वीडियो। वेलकम टू पंजाबी फूड एंड ट्रैवल। सबसे पहले हमें सूखी लाल मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग, जीरा, काली मिर्च, मेथी दाना, ये सब सूखे मसाले लेने हैं। उसके बाद लहसुन कटा हुआ और प्याज भी कटा हुआ, ये तो हैं सारे इंग्रेडिएंट्स। इसके बाद हमें लेनी है लस्सी, जिसे हम छाछ या बटर मिल्क भी कहते हैं, तो और एक आलू कटा हुआ। अब हम लस्सी में 1.5 बड़ा चम्मच बेसन डालेंगे। अगर आपके पास लस्सी या छाछ नहीं है तो आप दही भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे हम अच्छी तरह इसमें घोल लेंगे। कढ़ाई में तेल लेंगे सरसों का, उसमें सारे मसाले डाल देंगे, ये भी सूखे मसाले हैं, पहले डाल देंगे। इसके बाद हम लहसुन डालेंगे। और फिर बाद में प्याज डाल देंगे। तो ये हमारा जो तड़का है वो तैयार हो गया है। इसमें हम जो आलू है पहले ही डाल देंगे, क्योंकि आलू अगर बाद में डालेंगे तो वो कच्चे रह जाते हैं। नमक स्वाद अनुसार डालेंगे और हल्दी, एक चम्मच हल्दी डाल देंगे और 1 चम्मच गरम मसाला। मिर्ची भी, हरी मिर्ची भी आप स्वाद के अनुसार ही डालेंगे। आलू हमने पहले इसलिए डाले हैं ताकि ये नरम हो जाएं, और आलूओं को थोड़ा सा नरम करने के लिए थोड़ा सा पानी भी डाला है। थोड़ा सा पानी डालेंगे तो इसमें आलू नरम हो जाएंगे। ये देखिए, दबाकर देख रहे हैं आलू को, ये नरम हो गया है। इसके बाद जो बटर मिल्क है, लस्सी है, वो सारी इसमें डाल देंगे। जो बेसन के साथ हमने घोल बनाया था लस्सी का, उसे उसे इसमें डाल देंगे। तो अगर आपको आपकी कढ़ी गाढ़ी लग रही है तो आप उसमें पानी भी डाल सकते हैं। तो इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक इसमें उबाल ना आ जाए, तो इसे आपको हिलाते रहना है। ये देखिए, उबाल आना शुरू हो गया है, तो हमारी जो कढ़ी है वो भी थोड़ी गाढ़ी हो रही है। तो इसे हम ऐसे हिलाते रहेंगे। तो अब उबाल तो आ गया है, अब हमें इसे 20-25 मिनट तक ढककर रख देना है, वो भी धीमी आंच पर। आंच को धीमी कर देना है और 20-25 मिनट के लिए इसे ढककर रख दिया है। हाँ जी, तकरीबन कढ़ी कड़ रही है, ढककर रख दिया है हमने। 20-25 मिनट वेट करनी पड़ेगी, उसके बाद बन जाएगी। वैसे पंजाबी में एक कहावत है कि कढ़ी जिन्नी कड़ी उन्नी बढ़िया होएगी, मतलब कड़ेगी जो ये ज़्यादा बढ़िया बनेगी। तो देखते हैं जब बनती है। लो जी, 20-25 मिनट के बाद देखिए कढ़ी बन गई है। ये देखिए, कढ़ी कड़ रही है। तो अब इसमें हम डालेंगे कसूरी मेथी।
तो ये जो कसूरी मेथी है ये हमने घर में ही बनाई है। इसकी मैं कैसे बनाई है जी मैं आगे किसी वीडियो में शेयर करूँगा। तो ये हमारी कढ़ी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। आप इसे चावल के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ, परांठे के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट होती है। ये हमारे नॉर्थ इंडिया में काफ़ी खाई जाती है। पंजाब में स्पेशली ये काफ़ी बनाई जाती है। तो ये बन गई हमारी कढ़ी, देखिए कितनी सुंदर लग रही है। तो आप भी अपने घर पर बनाइएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिएगा ताकि मेरी अगली वीडियो आपको मिल जाए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वेलकम टू पंजाबी फूड एंड ट्रैवल। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में फीडबैक दें। Please subscribe to our channel and press the bell icon to get notification for my further videos.